हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप सबने देखा कि हम लोग मरीन ड्राइव गए थे, गेटवे ऑफ इंडिया गए थे, ताज देखा हमने, फिर एंड में हम फैशन स्ट्रीट भी गए मम्मी पापा और भाई के साथ। तो उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग एक एयरबीएनबी लिस्टिंग में रुके हैं, तो उसका भी टूर आपको कराएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल उसी एयरबीएनबी के लिस्टिंग में बैठा हूँ। लेकिन वो कराने से पहले, जो लोग एयरबीएनबी के बारे में नहीं जानते, मैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा, आपको फेमिलियर करना चाहूँगा उससे। तो एयरबीएनबी कुछ नहीं, एक बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होस्ट मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है या फिर जो प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़, अपनी डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग के साथ। और वो प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, वो बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो फ्लैट हो सकता है, वो विला हो सकता है, वो रूम हो सकता है। एक्सपीरियंसेस भी होते हैं उसमें, मतलब कि कोई किसी चीज़ में माहिर है, वो किसी और को एक्सपीरियंस करवाना चाहता है, तो वो भी उसमें अपने आप को लिस्ट कर सकता है। तो हर तरह के एक्सपीरियंस, हर तरह की प्रॉपर्टीज़ एयरबीएनबी पे लिस्टेड होती हैं। और फिर होते हैं गेस्ट। गेस्ट मतलब जो लोग बुक करते हैं, जिनको किसी जगह जाना है, वो एयरबीएनबी की वेबसाइट या ऐप पे देखते हैं और वो बुक कर सकते हैं। फिर बुक करके वो वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं होटल की तरह। लेकिन होटल के अलावा इसमें अपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो मतलब होटल से थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ काफ़ी अलग है बेसिकली। तो और चेक इन करके वो वहाँ पे रह सकते हैं अपने घर की तरह, मतलब एक तरीके का अपार्टमेंट है और उसको अपने घर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बेसिक ओवरव्यू एयरबीएनबी के बारे में। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप ऑब्वियसली वेबसाइट पर रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं, आप लोगों को पता है क्या करना है। तो इट्स जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू, यू नो, आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि अगर आप नहीं जानते इसके बारे में और आप ये वीडियो देखने आए हैं, व्लॉग देखने आए हैं, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए कि बेसिकली एयरबीएनबी होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए इंडिया में ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। तो ऐसे ही एक एयरबीएनबी लिस्टिंग पे हम लोग रुके हैं मुंबई में, साउथ बॉम्बे में बेसिकली। तो असल में प्लान ये था कि मम्मी पापा और भाई जो है मेरा रोहन, वो लोग बॉम्बे आने वाले थे घूमने के लिए। तो असल में हमारा प्लान था यहाँ के आसपास के लोकेशंस को एक्सप्लोर करना, हिल स्टेशंस को एक्सप्लोर करना। तो हम लोगों ने प्लान किया था पहले कि हमारा माथेरान जाने का जैसे प्लान है कल मॉर्निंग में, तो हम लोगों ने प्लान किया था उसके पास एक जगह है करजत करके, जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है वहाँ के लिए, वहाँ पे एक विला लेने का। लेकिन वो शहर से काफ़ी बाहर का एरिया हो जाता, तो मम्मी पापा को लगा कि शायद सिटी आने में बार बार यू नो प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग साउथ बॉम्बे में ही एक अच्छे व्यू वाला एक अच्छा सा एक लिस्टिंग देखें और वहाँ पर बुक कर लें। तो साउथ बॉम्बे में ही हमने फिर एक अच्छी सी लिस्टिंग ढूंढी एयरबीएनबी में, उसको बुक किया और होस्ट ने एक्सेप्ट किया और हमारी लिस्टिंग बुक हो गई और फिर हमने यहाँ पे आके चेक इन कर लिया। तो अभी हम यहीं पे हैं, 3 नाइट्स के लिए यहाँ पे हैं। तो बस फिर अब हम लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आते ही हमने सबसे पहले साउथ बॉम्बे में ही थे तो साउथ बॉम्बे का ही टूर कर लिया, जो आपको हमने ब्लॉग में दिखाया भी। और अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं यहाँ की लिस्टिंग का आपको टूर कराऊँगा और यहाँ का जो अच्छा सा व्यू है उसका पहले आपको नाइट व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है, और कल मॉर्निंग में जब मैं उठूंगा तो आपको मॉर्निंग का भी व्यू दिखाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस अच्छे से एयरबीएनबी लिस्टिंग का टूर, और यहाँ क्या नाइट व्यू का नज़ारा कैसा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टे ट्यून। यहाँ से लिस्टिंग की एंट्री है, ये रहा किचन, डाइनिंग टेबल, और ये बढ़िया सा हॉल, टीवी, होस्ट ने सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, जो कि मोस्टली एयरबीएनबीज में होता है, वो सब कुछ सेट करके रखते हैं। और ये रहा शोपीस के लिए या फिर खेलने के लिए चेस का सेट, किसी को खेलना है तो कुर्सी ऊपर बैठ कर खेल सकता है, नहीं तो शोपीस तो खैर अच्छा है ही। 15th फ्लोर पर है, तो इसके बाहर का आपको अच्छा सा व्यू भी दिखाता हूँ नाइट का। ये रहा 15th फ्लोर से नाइट व्यू, नीचे से बॉम्बे की सेंट्रल लाइन वाली लोकल जाती हुई, परफेक्ट टाइमिंग पे मैंने बनाया है, क्या बात है। और ये हाईवे, अलग ही व्यू है यहाँ से। और वो पीछे समुद्र, सी, दरिया, जो आप कहना चाहें। हालांकि यहाँ पे मॉर्निंग पे व्यू और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो ये पीछे दरिया है, समुद्र है, ये और अच्छी तरीके से दिख सकेगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी बीच एक और लोकल, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोकल की फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी है यहाँ पर। मुंबई की जान, मुंबई की लाइफलाइन, लोकल। मेट्रो का पता नहीं, लेकिन हाँ लोकल तो लोकल है।
सुबह का व्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब मैं मॉर्निंग पे उठूँगा। ये किचन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ज़रूरत की सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि अच्छी बात है। किचन की बालकनी भी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। यह है पहला बेडरूम जो कि काफ़ी अच्छा बना है, और यहाँ पे ये प्यारा सा एक झूला भी लगाया हुआ है, तो अगर आपको इसका शौक़ है तो आप झूले का भी प्रयोग कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में। और ये वही प्यारा सा व्यू जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हॉल की बालकनी से दिखाया था, काफ़ी अच्छा। चलते हैं अगले रूम की तरफ। यह है दूसरा बेडरूम जिसकी लाइट मैंने अभी अभी जलाई है, यह भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, और इसके बाहर भी एक अलग सा व्यू है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ का व्यू तो और भी ज़्यादा मैजिकल है। जैसे जैसे मैं कैमरा पैन कर रहा हूँ, बॉम्बे के स्काई स्क्रेपर्स और यहाँ की लाइटिंग काफ़ी अच्छा व्यू दे रही है। यहाँ स्काई स्क्रेपर्स, यहाँ हाईवे, लोकल ट्रेन का ट्रैक, और स्काई स्क्रेपर से जस्ट सामने नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो आपको मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा वो है स्लम एरिया। तो ये बॉम्बे की अलग तरह की खूबसूरती है, या फिर यूनिकनेस कह सकते हैं, कि एक तरफ जहाँ स्काई स्क्रेपर्स हैं दूसरी तरफ वहीं पे स्लम एरियाज भी हैं। लेकिन जैसा भी है, ये है हमारा बॉम्बे अपनी तरह से यूनिक। प्यारा सा व्यू। चलते हैं तीसरे कमरे की ओर जो हॉल से जुड़ा हुआ है, एंट्रेंस से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे मम्मी पापा आराम फरमा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। यह तीसरा कमरा जहाँ पे आराम फरमाया जा रहा है पूरे दिन की थकान के बाद। अच्छा सा बेड और सामने अच्छा सा व्यू जो मैंने आपको अभी दूसरे कमरे से दिखाया था, वही सेम व्यू है। और एक बार फिर से दोनों तरफ से लोकल और अच्छा व्यू। तो ये था हमारे एयरबीएनबी लिस्टिंग का छोटा सा टूर, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मतलब लिस्टिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब जो इसका रेट है, मतलब एक ऑलमोस्ट एक अच्छे होटल के प्राइस पॉइंट पे आपको एक पूरा फ्लैट मिल रहा है, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट जिसमें आपको सारी अमेनिटीज़ मिल रही हैं। खाना आपको खुद अरेंज करना पड़ता है, लेकिन वैसे भी आप बाहर घूमने जाते ही हो, जब आप कहीं जाते हो टूर पे या घूमने तो आप बाहर खा ही लेते हो वैसे भी, तो मतलब वो इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन आपको इस प्राइस पॉइंट पे अगर एक पूरा अपार्टमेंट, पूरी लिस्टिंग मिल रही है इतने अच्छे व्यू के साथ, जो कि आपको बहुत होटलों में नहीं मिलेगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मतलब इंडिया में एयरबीएनबी अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लोग तो सिर्फ ओयो को ही जानते हैं मोस्टली। ओयो तो बेसिकली चेन ऑफ होटल्स हैं जो टाई अप करते हैं, पर एयरबीएनबी में होटल्स के साथ साथ ऐसे अपार्टमेंट्स भी हैं, तो ऐसे लिस्टिंग्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप लोग भी मतलब कहीं जाने की सोच रहे हैं तो आप एयरबीएनबी के लिस्टिंग्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, एयरबीएनबी के वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और एक नया चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा। तो कल सुबह उठ के हम लोग को जो माथेरान हिल स्टेशन है यहाँ पे, वहाँ के लिए निकलना है, और वहाँ के लिए टॉय ट्रेन चलती है नेरल से। तो नेरल से टॉय ट्रेन चलती है 9:30 के आसपास, तो वहाँ तक उस टाइम पे या उससे थोड़ा पहले पहुँचने के लिए हमको यहाँ से काफ़ी जल्दी निकलना पड़ेगा सुबह, क्योंकि यहाँ से हमको दादर से लोकल ट्रेन लेनी है नेरल के लिए, और उसके बाद वहाँ से हम टॉय ट्रेन ले सकते हैं। तो बेसिकली हमको काफ़ी जल्दी सुबह उठ के निकलना पड़ेगा, और माथेरान का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा वहाँ पे अनुभव है, उसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा भी। और सुबह उठ के फ़िलहाल यहाँ का जो व्यू है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है मॉर्निंग का, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसी व्लॉग में। और माथेरान के लिए आप अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा जो आपके लिए बहुत जल्द आएगा। तो अब मिलते हैं आपसे कल सुबह, जहाँ पर मैं आपको यहाँ का मॉर्निंग का व्यू पक्का दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग है, हम लोगों को जैसा कि मैंने बताया था नेरल के लिए निकलना है दादर स्टेशन से, जहाँ से हम नेरल से टॉय ट्रेन लेंगे हमारे डेस्टिनेशन के लिए जो है माथेरान हिल स्टेशन। तो
तो वहाँ के लिए हमको जल्दी निकलना है, इसलिए हम लोग जल्दी उठे हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं सुबह का व्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है तो व्यू काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सनराइज़ के साथ साथ खिड़की से जो है यहाँ का व्यू कैसा आता है। तो चलिए देखते हैं वहाँ का व्यू। और ये रहा मॉर्निंग व्यू दूसरी खिड़की से, जहाँ मैं पैन करके आपको वही कल वाली स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखें नीचे की तरफ तो ये सारा स्लम एरिया भी है। तो ये अर्ली मॉर्निंग का सनराइज़ व्यू हमारे एयरबीएनबी लिस्टिंग की खिड़की से, सुबह का अलग ही फील आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस ये व्लॉग देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो एयरबीएनबी लिस्टिंग का जो टूर है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसके आगे का जो हमारा सफ़र है, जो कि दादर स्टेशन से निरल तक के लिए और फिर निरल से माथेरान हिल स्टेशन के लिए, वो मैं अगले व्लॉग में कवर करूँगा। तो अगला व्लॉग देखना मत भूलिएगा, वो भी बहुत जल्दी आएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और अभी के लिए फ़िलहाल ये वीडियो मैं बंद करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और ड्रिल तो आपको पता ही है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको पसंद आएगा तो आप अपने आप कर ही देंगे, लेकिन फ़र्ज बनता है तो ज़रूर बोल देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके आगे ही हमारा वो सफ़र चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।